तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग के मोबाइल में जो बैकग्राउंड का जो डेटा यूज़ होता है, या मोबाइल डेटा जो बैकग्राउंड में यूज़ होता है, कुछ कुछ ऐप्स जो कि बैकग्राउंड में यूज़ करती है, तो उनको कैसे स्टॉप करा जाए। मतलब कि हाउ टू स्टॉप या हाउ टू टर्न ऑफ मोबाइल डेटा, हाउ टू टर्न ऑफ बैकग्राउंड मोबाइल डेटा यूजेस इन सैमसंग। तो आज आपको ये बताने वाला हूँ, जो कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में और ये टाइटल में भी आपको देखा है। तो इसमें आप दो तरह के बोल सकते हैं कि हाउ टू स्टॉप या हाउ टू टर्न ऑफ बैकग्राउंड डाटा मोबाइल डेटा यूजेस इन सैमसंग। तो दोस्तों पूरी सेटिंग बताऊंगा कहाँ आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है, कैसे आप इसको स्टॉप कर पाएंगे, और कौन कौन सी ऐप जो कि आपके बैकग्राउंड में डेटा यूज़ करती है, आपको सब वहाँ पर दिखने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल की जाना है पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाना है आपको कनेक्शन वाले ऑप्शन में, जो कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा। आपको पता है कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है, कनेक्शन में, और यहाँ जाना है आपको डेटा यूज़ वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिखने वाला है, और यहाँ जाना है आपको मोबाइल डेटा यूजर्स वाले ऑप्शन में, आपको दिख रहा होगा मोबाइल डेटा यूजर्स वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये आपकी जितनी भी ऐप्स होंगी यहाँ पर सब खुल जाएंगी। आपको थोड़ा टाइम लेता है उसको ओपन करने में, यहाँ सब पता लग जाएगा कौन सी ऐप आपकी कितना डेटा यूज़ कर रही है, कितना बैकग्राउंड में यूज़ कर रही है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये मेरा अभी तक 1 मार्च से लेके आज 14 तारीख तक के इतना डेटा मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो पूरा बता रहा है नीचे। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम ने मेरा डेटा यूज़ करा है, यहाँ पर दिख रहा होगा 6.99 GB। अब मैं यहाँ पर ऑन करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है आपका, 6.99 GB आपने यूज़ करा है, जिसमें आपने ओपन करके इतना यूज़ करा है, फोरग्राउंड में 6.6 GB, और बैकग्राउंड में कितना यूज़ हुआ है 0.93 GB, मतलब 1 GB के लगभग मेरा यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा है अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूजेस, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये बैकग्राउंड में डेटा यूज़ नहीं करेगा, तो मेरा यहाँ डेटा पूरी तरह से सेव हो जाएगा, जो कि जो आपने देख रहा होगा जो मेरा 1 GB का फालतू का खर्च हुआ है, तो ये मेरा पूरा यूज़ हो जाएगा। बट अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो उसके मैसेज है, नोटिफिकेशन है, सब बंद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको उन ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा यूज़ करना है जिसकी आपको नोटिफिकेशन नहीं आती। लाइक अगर आपने व्हाट्सअप का भी बंद कर दिया तो कोई मैसेज नहीं आएंगे आपको, जब तक नहीं आएंगे जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर जैसे ये गूगल क्रोम है, आप इसका बंद कर सकते हैं क्योंकि ये बैकग्राउंड में डेटा आपके फालतू का बैठ, देखिए यहाँ पर भी मेरा देख रहा है बैकग्राउंड में 771 MB का बैकग्राउंड में डेटा इसने मुझे दिया है। तो अगर मैं इसका ऑफ कर दूंगा तो कोई इशू नहीं रही, मेरा डेटा बच जाएगा, बट कोई आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी इन ऐप की जब तक आप ओपन नहीं करेंगे। लाइक अगर आप व्हाट्सअप का बंद कर देंगे तो कोई भी आपकी चैटिंग कन्वर्सेशन नहीं आएगी, कोई भी मैसेज नहीं आएगा आपके पास, ना ग्रुप का ना इंडिविजुअल का। फेसबुक का बंद कर देंगे तो फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी मैसेज से रिलेटेड या कुछ भी, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर इसको ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जितनी भी आपको ऐप्स दिख रही हैं आपको सबका पता लग जाएगा कितना आपने डेटा यूज़ करा है। तो आपको एक एक करके सबको चेक करना है और उसको बंद कर देना है, जो भी फालतू की ऐप्स है। लाइक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सैमसंग इंटरनेट ने भी मेरा बैकग्राउंड में बहुत डेटा खाया है, तो मैं इसका भी बंद कर सकता हूँ। और यहाँ बहुत सारी ऐप आपको दिख रही होंगी, गैलेक्सी स्टोर जो कि बैकग्राउंड में डेटा खा रही है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको एक एक करके इंडिविजुअल आपको देखना है और सबको वहाँ से कर देना है ऑफ़। तो ऑफ़ कर देंगे तो वहाँ आपका डेटा बच जाएगा। और यहाँ पर आएंगे सेटिंग की तरफ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेट डेटा वार्निंग, ये मैंने अनलिमिटेड कर दिया है क्योंकि बार बार वार्निंग देता है। तो ये वार्निंग इसलिए होती है कि अगर मान लीजिए आप 1.5 GB का प्लान चला रहे हैं तो 1 GB के आप सेट कर दीजिए कि ये वार्निंग आ जाए कि 1 GB जैसे ही यूज़ कर ले एक डे में, तो ये इसलिए होता है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और जो नीचे मिल रहा है सेट डेटा लिमिट, अगर आप इसको लिमिट को सेट कर देंगे 2 GB का, तो 2 GB के बाद यूज़ नहीं होगा महीने में। तो ये डेटा लिमिट होता है कि आपने महीने में टारगेट बनाया कि 10 GB यूज़ करना है, 20 GB यूज़ करना है, तो आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। बट आपको रिड्यूस, जो मैंने बताया था आपको बैकग्राउंड डेटा आपको बचाने के लिए, आपको इंडिविजुअल एक एक ऐप में जाना है, उस ऐप में जाने के बाद आपको उसको कर देना है बैकग्राउंड डेटा ऑफ। तो वहाँ पर आप अपना डेटा बचा लेंगे और उसको कर देंगे ऑफ। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने मान लो कोई ऐसी ऐप का आपने डेटा बंद कर दिया बैकग्राउंड का, जिसकी नोटिफिकेशन आपको फ्रंट में चाहिए रहती है, तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ कमी, दोस्तों में डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और कमेंट करना भी ना भूलें ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। जैसा भी अगर आपको लग रहा है कि आपको पॉजिटिव लग रहा है तो पॉजिटिव कमेंट दीजिए, अगर आपको कुछ कमी लग रही है, आप बोल रहे हैं कुछ गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं आगे से उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।